सर हाँ बेटा बोलिए। सर हम बोल रहे थे कि संडे को आप जो रैशन नंबर का एक्सरसाइज भेजे थे तो वो हम लोग कौन सा कॉपी में करेंगे? आप आपका होमवर्क कॉपी में कर लीजिए बेटा, ठीक है? ओके सर। उसमें कुछ डाउट्स है? उसमें कुछ डाउट्स है? नो सर। ठीक है बेटा, इस संडे, ये संडे आपको नंबर सिस्टम्स में टेस्ट होगा बेटा, ठीक है? ऑनलाइन ओके टेस्ट सर। कल होगा किस चैप्टर इस संडे, संडे को टेस्ट होगा आपको, ठीक है? नंबर सिस्टम मतलब रैशनल नंबर क्या है? हाँ वही है, फर्स्ट फर्स्ट ना? चैप्टर हाँ का सर, बेटा, रैशनल नेशनल नंबर। नंबर्स, ठीक है? ओके सर। सर हम लोग को तो वो जो आप प्रॉब्लम दिए थे उसमें जो रेड पेन से मार्क दे, सिर्फ वही वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना? सुनाई नहीं दे रहा बेटा। सर वो जो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उसमें जो रेड पेन से मार्क दे, हम लोग को सिर्फ वही क्वेश्चंस करना है ना? अरे एग्जैक्टली वही नहीं आएगा, बट सिमिलर क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? नहीं सर, वो जो आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क कॉपी में करने बोले हैं ना, उसमें कौन सा करेंगे जो रेड पेन से मार्क दे? नहीं बेटा, वो पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा ओके हूँ, क्योंकि ओके आपका सर। एग्जाम है ना, अभी नेक्स्ट संडे एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए तैयारी करना है ना आपको, ठीक ओके सर। है? सारा क्वेश्चंस कर लीजिए घर में। सर इस संडे या नेक्स्ट संडे? ये वाला संडे, इस संडे, ओके सर। कमिंग संडे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपका सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कितने आप अपने आप को म्यूट करिए बेटा, अनुराधा कुमारी। हाँ, जब बोलने का टाइम है तभी अनम्यूट करिए, ठीक है? सो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 5 टाइम्स 1 माइनस x प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। आप ट्राई कर सकते हैं, y माइनस ऑफ 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 1 बाय 5। y प्लस 2 बाय 3 माइनस ऑफ y प्लस 1 बाय 5 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाय 4 माइनस सर, इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव रिटन 1 माइनस? 5 टाइम्स 1 माइनस x, डिनोमिनेटर 1 माइनस 2x। ओके सर, थैंक यू। 1 बाय x प्लस 1 प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 बाय x प्लस 10। यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दीज फोर लीनियर इक्वेशंस, देखिए कर सकता है कि नहीं। सर पहले वाले में एक्स का आंसर वैल्यू कितना? आप सारा कर ली, एक के बाद एक कर लीजिए, आंसर्स बाद में चेक करेंगे, ठीक है?
सर सर थ्री वाले क्वेश्चन में y माइनस टू बाई थ्री माइनस y माइनस वन बाई कितना लिखे हाँ y प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू y माइनस y प्लस वन बाई फाइव इज इक्वल टू y माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन ओके ओके सर फोर नंबर में इज इक्वल टू कितना लिखा है क्या है फोर नंबर में वन बाय एक्स वन प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू बाय एक्स प्लस टेन तो मैं शुरू करता हूँ करना जिसको डाउट है वो देखिए ओके एक एक करके करता हूँ मैं सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन सब लोग ध्यान से सुनिए ठीक है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फाइव टाइम्स वन माइनस एक्स का मतलब फाइव माइनस फाइव एक्स थ्री टाइम्स वन प्लस एक्स का मतलब प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू एट टाइम्स वन माइनस टू एक्स इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ यस और नो सो दिस इंप्लाइज यू हैव फाइव प्लस थ्री एट माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स इज माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एट माइनस सिक्सटीन एक्स सो एक्स सारे एक तरफ लेके आएंगे बाकी नंबर्स एक तरफ लेके जाएंगे ये माइनस सिक्सटीन एक्स इस तरफ आया तो प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एट माइनस एट सो फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहे हैं सबको आया यस सर यस सर ओके वाह बहुत अच्छा है नेक्स्ट यहां भी फर्स्ट इज ब्रैकेट एक्सपेंशन वो आना चाहिए जब ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं बाहर माइनस है माइनस ऑफ प्लस इज माइनस माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस सो वाई माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई बाय टू वाई माइनस थ्री माइनस फोर वाई ओके माइनस थ्री माइनस फोर वाई इज वन बाई फाइव दिस इंप्लाइज वाई प्लस थ्री वाई फोर वाई माइनस फोर बाय 2y minus 4y is minus 2y minus 3 is equal to 1 by 5. Okay. So cross multiplication कर लीजिए. Cross multiplication किया तो 5 times 4y minus 4. यहाँ बहुत लोग गलत करते हैं. 5 को सिर्फ ये वाला 4 से multiply करके ये वाला 4 से multiply करना भूल जाते हैं. वैसा नहीं करना है. ये 5 जो है, it is getting multiplied with this total term. Is equal to 1 times minus 2y minus 3 minus के साथ उस तरफ गया तो bracket expansion किया तो 20y minus 20 is equal to minus 2y minus 3
सो वाई सर एक तरफ लेके आइए, 20y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 20, इस तरफ आया तो प्लस 20 माइनस 3, सो 22y इज इक्वल टू 17, सो y इज इक्वल टू 17 बाई 22. आया किसी को आंसर? ओके, बहुत अच्छा है, ये भी आंसर है. तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये जो है एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है. एलसीएम लेना आता है? यस सर. तो दोनों का एलसीएम कितना है? 15. 15. तो 3 5s are 5 इनटू वाई प्लस 2 हो जाएगा, राइट? माइनस 5 3s are 15, सो 3 टाइम्स वाई प्लस 1. ओके, 1 का मतलब 1 बाय 1 है ना, तो एलसीएम 4 हो जाएगा. सो वाई माइनस 3 माइनस 1 4s are, सो 4 1s are 4. ओके, सो दिस इंप्लाइज 5y plus 10 minus 3y minus 3 by 15 is equal to y minus 7 by 4. Yeah. So this implies that 2y plus 7 by 15 is equal to y minus 7 by 4. Okay. Cross multiplication again. जब cross multiplication करते हैं, 4 से 2 भी multiply करना है, 7 भी multiply करना है. तो क्या आएगा? 8y minus 28 is equal to, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 15y minus 105. 15 into 7 कितना? 105. तो y सर एक तरफ लेके आइए, नंबर्स एक तरफ लेके आइए. minus 105 इस तरफ है तो plus 105 minus 28 is equal to 15y minus 8y. तो 105 minus 28 कितना है? 70. सेवन है क्या सर? 105 वन माइनस 105 इस तरफ है तो प्लस 105 माइनस 28 15y माइनस 85 77 असुविधा है बोले ना 7y सो y इज इक्वल टू 77 बाय 7 11. किसी को आया आंसर? सर ये 8y plus 28 होगा. हाँ 8y plus 28. हाँ सर 8y plus 28 होगा. हाँ सर. यस सर उसे लिए नहीं है. 8y plus 28. हाँ सर plus 28. plus होगा क्या? यस सर 2y plus 7 is there no? Yes sir, plus okay, होगा. हाँ मैं कुछ गलती किया था क्या? 4y plus 28 है क्या? Yes sir. Yes sir. So ये सही है, ये गलत है, इस तरफ गलत है, उस तरफ सही है. Yes sir. इस तरफ गलत है ना शायद? Yes sir. 133 है ना? 133 है, 77 नहीं है, 133. So y is equal to 133 by 7 19 होगा ना? यस सर. यस सर सही है. गुड, नेक्स्ट. सर आपका स्क्रीन हेजी आ रहा है सर. हां सब ठीक है. हां फोर्थ का 10 आ रहा है क्या आंसर? पर मैं करके देखता हूं. ओके, सो यहां भी एलसीएम कितना होगा? x plus 1 into x plus 2. ऊपर क्या होगा? यहाँ x plus 2 आएगा और यहाँ x plus 1 आएगा, right? 2 by x plus 10. So 2x plus 3 divided by, ये तो multiply किया तो कितना terms आएगा इसमें? x square आएगा, right? Yes sir. Plus x plus 2x plus 3x आएगा plus 2 आएगा, right? 1 into 2 is 2 is equal to 2 by x plus 10. Okay. Cross multiplication कर लीजिए. So 2x plus 3 times x plus 10 is equal to 2 times x square plus 3x plus 2. Okay. So this
this implies 2x square, 2x into x is 2x square. Ke baad plus 3x plus 2x into 10 is 20x plus 3 into 10 is 30. Char terms ho gaya. Is equal to yaha bhi 2x square plus 6x plus 4. Okay. So 2x square cancel ho gaya. Yes, sir. So you had 23x. Ye 6x us taraf gaya to minus 6x ho jayega. Yes, sir. So 23x minus 6x is equal to 4. 30 us taraf gaya to minus 30. Okay. So 17x is equal to minus 26. So x is equal to how much? X is equal to minus 26 by 17. Okay. Minus 26 by 17. Yes, sir. So clear hai? First four questions. Yes, sir. All plenary. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Sir, done. Done. Next question mein jayenge? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So aapke liye agla do questions. ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए. डिवाइड 84 इनटू टू पार्ट्स सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 4 लेस देन हाफ ऑफ द अदर पार्ट. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट इंक्रीज्ड बाय 23. इक्वेशंस कैसे लिखिएगा वो आपका काम है. ट्राई कर लीजिए. नहीं हुआ तो मैं करता हूँ. ठीक है सर. इस 4 लिखे फर्स्ट पार्ट इज 4 लेस देन हाफ ऑफ. हां 4 लेस देन 4 लेस देन हाफ द अदर पार्ट. ट्राई करिए. Divide 84 into two parts such that half of the first part is 4 less than half of the other part. Kya beta? First wala? Sir, first wala cancel. First part hai 19 aur second part hai 23. Okay, first part? 19. 1923 दोनों मिला के 84 होना चाहिए ना बेटा. नहीं सर हाफ. ओ सर सॉरी सर. सर वन पार्ट इज 38 एंड सेकंड पार्ट इज 46. हां हो सकता है 38 एंड 46 हो सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी कर लीजिए. यस सर.
बाकी लोगों का हो रहा है बेटा? सिद्धार्थ भट्टाचार्य सर, हाँ सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ दीजिए ना। फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 23। ठीक है, फर्स्ट में जिसको डाउट है एक बार देख लीजिए। डिवाइड 84 इनटू टू पार्ट्स, सो लेट द पार्ट्स बी। सर मेरा सेकंड वाला आ गया। आ गया, गुड, देखते हैं। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिए। लेट द पार्ट्स बी एक्स एंड 84 माइनस एक्स करेंगे। यस सर। सो 84 को टू पार्ट्स कर रहे हैं ना आप, अगर एक पार्ट x है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 84 माइनस सर मेरा भी सेकंड पार्ट आ गया। सुन रहे सर, 6 नंबर का आंसर 140 है। हो सकता है सर, आई आल्सो 140। हां सर, मेरा भी 140। ठीक है, मेरा भी 140 आपको वही आ रहे तो सही है, देखते हैं। सो 84 हैज टू बी डिवाइड इनटू टू पार्ट सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इसका मतलब x / 2 इज 4 लेस देन हाफ ऑफ द अदर पार्ट। नेक्स्ट पार्ट का हाफ से 4 छोटा है, सही है क्या नहीं? सर सर मैंने किया कि x by 4 plus x by 2 plus 4 equals to 84 minus x by 2। हाँ सेम है ना, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, आपका चॉइस, इफेक्टली यही है ना। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज x by 2 is equal to, यहाँ एलसीएम 2 लिया तो 84 minus x minus 8 हो जाएगा एलसीएम। यस सर। Yes. इसके बाद 2 and 2 gets cancelled, right? So x is equal to 84 minus 8, कितना? 76 minus x. So x को transposition किया तो 2x is equal to 76. X is equal to how much? 38. Yes, sir. And this implies 84 minus x. Other part is 84 46. Minus 38. 46. हो गया yes, सर मेरा फर्स्ट पार्ट 46 और सेकंड पार्ट 38 आया है। हाँ सर, हो सकता है ना, फर्क पड़ता है या नहीं? सर यहाँ तो बोल रहे कि फर्स्ट पार्ट छोटा है ना, तो फर्स्ट पार्ट 38 आएगा। हाँ, सो फर्स्ट पार्ट ऐसा आना चाहिए ना बेटा, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट शुड बी 38 एंड सेकंड पार्ट शुड बी 46, ऐसे ही ऑर्डर में आना okay, चाहिए। ओके सर, राइट, ओके सर। सर मेरा फर्स्ट पार्ट है 46। वही बेटा, आपको शायद उल्टा किया होगा। यस सर, क्योंकि यहाँ हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट दिया है ना, आप शायद हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू इस तरह फर्स्ट पार्ट यूज किया होगा। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल टू समथिंग, सो लेट द नंबर बी x, राइट? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? फिफ्थ पार्ट, इसका मतलब x by 5 plus 30 equals to x by 4 plus 23, इसका मतलब x by 5 plus 30 is equal to fourth part x by 4 plus 23। यस सर। तो x सारा एक तरफ लेके आइए, x by 4 minus x by 5 is equal to 30 minus 23, ओके? 23 उस तरफ गया, ये इस तरफ आया, ओके? सर ये x by 5 minus x by 4 होगा ना? हाँ ठीक है, मैं एक थोड़ा सा साइड चेंज किया, फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये x by 5 को उस तरफ लेके गया मैंने, 23 को इस तरफ लेके आया, एंड साइड्स थोड़ा सा चेंज किया, एक्चुअली ये उस तरफ होना चाहिए, ये उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यस यस।
सेम है क्या या चेंज हो गया? इफेक्टिवली तो सेम आना चाहिए, एलसीएम 20 है, ऊपर 5x माइनस 4x आएगा 7x 7, सो x बाय 20 सर उल्टा करने से सिर्फ माइनस आएगा जिसको बाद में काटना पड़ेगा। हाँ, दोनों तरफ माइनस आएगा, दोनों काटना पड़ेगा। यस सर, यस सर। तो x इज इक्वल टू 140 इज द आंसर। आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गुड, नोट किया सब लोग? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, ये भी इजी है, देखिए ट्राई करिए ये दोनों क्वेश्चन। आपका चॉइस है बेटा, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो जल्दी सॉल्व करिए। सर फर्स्ट वाला आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर कितना है सर? 450। ठीक, गुड, नेक्स्ट भी कर लीजिए। सर वो आप क्या लिखे, 4/7 ऑफ वन पार्ट? हाँ, 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अदर। किसी का हुआ बेटा सेकंड क्वेश्चन? सर वेट, सर डन, सर 14, ओके सर 14 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
10 rupees. Find the CP. Let the CP be x. Okay.
SP is given as 495, right? So percentage profit ka formula kya hai? SP minus CP by CP into 100, right? Formula yaad hai? Sir. Sir, formula to sir ye bataye the ki 100 by 100 plus gain percent into SP. Yes, sir. क्या है क्या है क्या है सर 100 by 100 plus gain percent into SP. ठीक है into SP. तो ये basic formula है, इसी को आप थोड़ा सा इधर उधर किया तो जो आप बोल रहे हो वो वाला formula आएगा. ठीक है. Okay, sir. Finally, तो वो यही formula है. ठीक है, इसी को आप थोड़ा सा चेंज किया तो वाला फॉर्मूला आ जाएगा रीअरेंजमेंट. तो दिस इंप्लाइज परसेंटेज प्रॉफिट 10 इज इक्वल टू 495. सर नहीं आ रहा है. हाँ, क्या है देखते हैं. ठीक है, बेसिकली SP माइनस CP इज प्रॉफिट, राइट? यस सर. तो प्रॉफिट बाय CP इनटू 100 इज द परसेंटेज प्रॉफिट. ठीक है, सो 495 माइनस x बाय x into 100. Okay. Yes, sir. So this implies 495 minus x is equal to x or 100 ko transposition karenge. So 10 x upar jayega, 100 niche aayega, right? Denominator mein jo hai wo numerator mein chala jayega, numerator jo hai wo denominator mein aa jayega. So ek zero cancel ho gaya. So cross multiplication kiya to 4950 minus 10x is equal to x, है ना? 495 into 10 is 4950, 10x. So 4950 is equal to 10x plus x, 11x. So this implies x is equal to 4950 by 11. Cancel किया तो 450. यही आया आंसर सबको. Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला सबको पता है क्या, या नया फॉर्मूला है ये? नहीं सर, पता था. पता है ना, ठीक है. प्रॉफिट वाले चैप्टर में किए हैं आप. नेक्स्ट, डिवाइड 34 इनटू टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट समथिंग हैपेंस. ये भी सेम क्वेश्चन है ना. सो लेट द पार्ट्स बी एक्स एंड 34 minus x. Okay. So 4 by 7th of one part, 4 by 7th of x is equal to 2 by 5th of 34 minus x. Yahi hai na condition? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 4x by 5 is equal to 68 minus 2x by 5. By 7, sir, 4x by 7. 4x by 7 is equal to this. So cross multiplication kiya to 20x is equal to 68 into 7 kitna hai beta? 420 plus 56. 476 minus 14x. So 14x is taraf hai to plus 14x. 34x is equal to 476. So x is equal to 476 by 4. कितना होगा? 16 है क्या? 14 आ रहा है ना? हाँ, 14. सो द पार्ट्स आर 14 एंड 20. ओके, हो गया? यस सर. इजी? ओके सर. यस सर. सो नोट किया सब लोग? यस क्वेश्चन में जाएंगे. Yes, sir. Next question देखिए, ये वाला ages का question है. एक बार आप question पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकता हूँ, पढ़ रहा हूँ. 5 years ago, the man is 7 times as old as his son. 5 years after, father will be 3 times as old as his son. Find the present ages. 5 साल पहले
The man is 7 times as old as his son. After 5 years, the father will be 3 times as old as his son. Find the present ages. Okay? Sir, 5 years after, matlab kya present se 5 years baad? हाँ प्रेजेंट से एक सिचुएशन अभी से 5 इयर्स पहले एक सिचुएशन अभी से 5 इयर्स बाद ट्राई करिए देखते हैं सर सन का प्रेजेंट एज है 10 और मैन का प्रेजेंट एज है 40 मतलब कर लिया क्या यस सर मुझे भी करना पड़ेगा बेटा देखते हैं ठीक है और किसी को आंसर आया एक बार चेक कर लीजिए और किसी का कंप्लीट हो गया तो सर मेरा आ गया हेलो सर हाँ बेटा मेरा आ गया क्या कितना आंसर आया व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस सोन का है 10 इयर्स एंड फादर का है 40 इयर्स सेम आया दोनों का यस सर ओके गुड यस सर सो देखते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ओके So 5 years ago, their ages are what? Their ages are x minus 5 and y minus 5 respectively. सही है क्या नहीं? And according to the problem, what is the relation between x minus 5 and y minus 5? X minus 5 is equal to 7 times. सही क्या नहीं तो दिस इंप्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 सो x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 हो जाएगा दिस इज वन इक्वेशन ओके नेक्स्ट आफ्टर 5 इयर्स After 5 years, their ages are what? X plus 5 and Y plus 5 respectively. Sahi ki nahi? And according to the problem, what is the relation between these two? Ye dono ke beech mein relation kya hai? X plus 5 is equal to how much? 3 times?
y plus 5, right? So x is equal to, sorry, x plus 5 is equal to 3y plus 15. So x is equal to kitna hai? 3y plus 10 ho jayega. Yes, sir. This is the second equation. So from 1 and 2, क्या बोल सकते हैं? ये भी x है, ये भी x है ना? Yes, so 7y minus 30 is equal to 3y plus 10. 10. So 3y उस तरफ है तो minus 3y, 4y हो जाएगा. Minus 30 उस तरफ गया तो plus 20. So y is equal to 10 आ गया? Yes, sir. So y is equal to 10 कोई भी एक equation में put कर लीजिए. So putting y is equal to 10, x is equal to 3 into 10 plus 10. So, kitna ho gaya? 40 years. So, sir, the present, haan, boliye beta. Sir, but maine do variable nahi liya tha. Kya hai? Sir, main bas ek hi variable li thi. Haan, le sakte hai, theek hai. To kaise kiya? Aap ek hi variable mein, first, what is the initial assumption? सर मैंने पहले 5 इयर्स बिफोर में सन्स का एज x पकड़ा है फिर मैंस एज 7x फिर प्रेजेंट हो गया तो सन्स का एज x + 5 और मैंस का वैसे भी कर सकते हैं ठीक है आपका चॉइस है कैसे करना है यस सर से क्लियर है यस सर यस सर यस सर गुड यस नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे यस हां सर So next question dekhiye. The numerator of a fraction is 6 less than its denominator. If 3 is added to numerator, then the fraction is equal to 2 by 3. What is the original fraction? Basic question sir, hai. Haan? Sir, aapka video hazy aa raha hai sir. Kya hai? Nahin, sir, hazy aa raha hai. Sir, denominator. Sir, ho gaya. Ho gaya, kya? The numerator of a fraction is 6 less than its denominator. If 3 is added to the numerator, then the fraction is equal to 2 by 3. What is the original fraction? So, kya karenge? Let the original fraction be kya hai? X by x plus 6 karenge? Yes, sir. The numerator is 6 less than the denominator. Iska matlab agar denominator x plus 6 hai, to numerator 6 hai. सर मैंने डिनोमिनेटर को x लेके न्यूमरेटर को x माइनस 6 बाय x भी ले सकते हैं आपका चॉइस है ठीक है आपका चॉइस है इसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर न्यूमरेटर को 3 ऐड किया तो इसका मतलब x plus 3 बाय x plus 6 इज इक्वल टू कितना है 2 बाय 3 राइट इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर देन द फ्रैक्शन इज बिकमिंग 2 बाय 3 So cross multiplication kiya to 3x plus 9 is equal to 2x plus 12. So x is equal to 3 aa gaya mujhe. This implies the original fraction kitna hai? 3 by 9, okay? 3 by 9. Or 1 by 3, theek hai? Is it clear? Yes, sir. Next question, last question. The difference between squares of two consecutive numbers is 31.
फाइंड द नंबर्स. The difference between the squares of two consecutive numbers is 31. Find the numbers. So, what is our initial assumption? Let the numbers be x and x plus 1. Hai na? Two consecutive numbers ka baat ho rahe na? Yes, x and x plus 1. According to the problem, क्या होना चाहिए? X plus 1 का whole square minus x square कितना होना चाहिए? 31 होना चाहिए, right? The difference between the squares of consecutive numbers is 31. Okay? So this implies x square plus 2x plus 1 minus x square is equal to 31. X square minus x square cancel ho gaya. So 2x is equal to 30. X is equal to simply 15. Okay. Sir, 15. So the required numbers are what? 15 and 16. Required 15. Numbers are 15 and 16. Okay. Yes, sir. So ये चैप्टर भी थोड़ा सा ओके ठीक ठाक लग रहा है ना? प्रैक्टिस हुआ है थोड़ा सा? Yes, sir. Yes. सर संडे को हम लोग का बस रैशनल नंबर टेस्ट है या रैशनल नंबर और लीनियर इक्वेशन दोनों का टेस्ट है? दोनों चैप्टर्स प्रिपेयर कर लीजिए बेटा, है ना? Okay. तीन चार दिन, okay. है ना? एक ही चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस देना मुश्किल होगा, ठीक है? फर्स्ट टू चैप्टर्स लीनियर इक्वेशन दोनों. ओके सर. ओके, इसका कुछ क्वेश्चंस भेजूं मैं प्रैक्टिस के लिए? यस सर. यस सर, व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ. हाँ सर, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए सर. एग्जांपल. हाँ बोलिए बेटा. सर मैं थर्ड मॉड्यूल कल ले आ सकता हूँ? क्या क्या लेके आ सकते हैं सर? थर्ड मॉड्यूल स्टडी मटेरियल का. स्टडी मटेरियल का लेने के लिए? यस सर, कल. हाँ आ सकते हैं बेटा, आपको कुछ मैसेज आया होगा ना? कभी भी आ सकते हैं. यस सर. हाँ आके ले सकते हैं, यही है इंस्टीट्यूट में. हमने भी नहीं लिया सर. हाँ सर, हमने भी नहीं लिया. मैं भी आ सकता हूँ? हाँ आ सकते हैं बेटा, एक बार ऑफिस में कॉल करके आ जाइए, ठीक है? सर हम लोग जो ये होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा? देखिए बेटा, आप अपना अपने हिसाब से कर लीजिए. बेसिकली आप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना है. सो सिर्फ प्रैक्टिस ही है तो सर ये भेजना नहीं पड़ेगा ना? वैसा कुछ मुझे सबमिट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके सर. ठीक है सर. तो आप ओके, क्वेश्चंस लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं तो दैट्स विल बी फाइन, ठीक है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यू शुड बी एबल टू डू फास्ट. ओके ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ इसका, इस चैप्टर का, ठीक है? यस सर. आप प्रैक्टिस करके रेडी रखिए, ठीक है? नेक्स्ट इस संडे आपका टेस्ट होगा. यस फिर. ओके ओके बेटा. हाँ तो पिछले टेस्ट का आंसर कब मिलेगा? पिछले टेस्ट का हो गया बेटा, आपको मैसेज आ जाएगा कलेक्ट करने के लिए पेपर्स, ठीक है? ओके सर. हाँ ओके बेटा. हाँ गुड नाइट सबको. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. थैंक यू.